हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे चिकन ग्रेवी और साथ ही में चिकन ड्राई। लेकिन जो चिकन ड्राई आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, वो बनाएंगे बिना ऑयल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बिना तेल के ड्राई चिकन जो है वो किस तरीके से टेस्टी बना सकते हैं। और आज हम ये चिकन बनाएंगे हमारे हीलिक्स कुकवेयर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा हीलिक्स कुकवेयर जो है वो मैंने इसमें जो है मैंने थोड़ा सा से 1 स्पून इतना ऑयल मैंने डाला है, और मैंने इसमें बारीक चॉप करके ओनियंस डाले हैं जिसको मैं कुक करी सॉटे कर लूँगी। ये अच्छे से गोल्डन होने तक हमें इसे सॉटे करना है। तो जैसे ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे ड्राई कोकोनट, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट। आपके पास अगर जो नॉर्मल वाला कोकोनट आता है अगर वो है तो आप वो वाला कोकोनट भी इसमें डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg चिकन जिसको हमने अच्छे से जो है वॉश किया था, और हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। तो हमें ग्रेवी के लिए भी और साथ ही में जो ड्राई चिकन बनाएंगे उसके लिए हमें दोनों के लिए चिकन मैरिनेट करना है। तो मैंने सबसे पहले लिया है यहाँ पे ग्रीन मसाला हम बनाएंगे मैरिनेशन के लिए चिकन के। तो हमें करना क्या है, हमें लेनी है थोड़ा सा पुदीना, फिर थोड़ा सा धनिया यानी कि कोथिंबीर जिसे हम बोलते हैं कोरिएंडर जिसे बोलते हैं वो लेना है, फिर हमें लेना है करी लीव्स यानी कि थोड़ा करी पत्ता, फिर हम लेंगे 4-5 ग्रीन चिली जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से, और फिर उसके बाद में हम उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको जो है अच्छे से थोड़ा पानी डाल के इसका थिक पेस्ट जो है वो कर लेंगे। और जैसे ही थिक पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा तो आप जो है ये चिकन को लगा के इसको अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। और साथ ही में मैंने इसमें जो डाला है 10 रुपये वाला जो दही का पैकेट आता है, बस उतना ही दही से मैंने इसको जो है मैरिनेट किया है। और हम इसको मैरिनेट करके एक 15 से 20 मिनट्स के लिए जो है चिकन को रेस्ट करने देंगे। तब तक हम यहाँ पे अपना जो है ग्रेवी के लिए जो मसाला लगने वाला है वो हम बना रहे हैं। तब देख सकते हो कि जैसे ही मेरा ओनियंस जो है गोल्डन हो गया उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, और ये दोनों जैसे ही थोड़े गोल्डन हो जाते हैं तो उसके बाद जो है हम इस जो हमने ये ओनियन और जो ग्रेटेड कोकोनट है जिसको हमने अच्छे से फ्राई किया उसका हम पेस्ट बनाएंगे मिक्सर में। तो ये पेस्ट आपको जो है मिक्सर में बनाकर लेना है और साइड में रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैं ड्राई चिकन के लिए मैंने जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था उस पर से हाफ चिकन निकाला, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट के लिए, और फिर हमने डाला है लाल मिर्ची पाउडर, फिर हमने डाला है मालवनी मसाला, एवरेस्ट का किचन किंग मसाला और गरम मसाला मैंने जो है इस पर लगा के फिर से जो है इसको अच्छे से मैरिनेट करके एक 5 मिनट के लिए हम फिर इसे साइड में रख देंगे। तब तक जो है हम इस जो मसाला है उसको पेस्ट बना के हम साइड में रखेंगे। अब आप यही पेस्ट जो हम बनाने वाले हैं ओनियन और ड्राई कोकोनट का, आप इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं जिससे इसका जो चिकन का जो ग्रेवी है उसका टेस्ट एनहांस होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा मसाला रेडी होता है तो हम दोनों चिकन आज साथ में ही बनाएंगे, और ये दोनों चिकन हम बनाने वाले हैं हमारे हीलिक्स कुकवेयर के बारे में। जो ये कुकवेयर का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है फ्रेंड्स कि कुकवेयर आप किस तरीके से इनको यूज़ करना है और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, तो आप ये वीडियो जाके ज़रूर मेरे चैनल पर देखिएगा। बहुत अच्छे कुकवेयर है, खाना भी जल्दी बनता है, साथ ही में इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है खाने के जो मिनरल्स है वो भी अच्छे से जो है इंटैक रहते हैं, मतलब आपको खाना भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और स्टील का है तो इसमें कोई भी मेटल पॉइजनिंग नहीं है, ये 304 सर्जिकल स्टेनलेस स्टील है, बहुत अच्छे से इसमें खाना और जल्दी खाना बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों मेरे जो कुकवेयर है हीलिक्स के उनको मैंने लो फ्लेम पे जो है प्री हीट होने के लिए रखा, और उस पर मैंने रख दिया है इनका ये थर्मामीटर वाला जो ढक्कन। तो ये थर्मामीटर वाला ढक्कन का यूज़ क्या है फ्रेंड्स, कि आप इस इंडिकेटर को देख के जो है आप खाना बना सकते हो। जैसे कि अभी इसका थर्मामीटर का इंडिकेटर 0 पे था, तो इसे हम 20 पे आने तक इसको प्री हीट करेंगे दोनों को भी। तो जैसे ही देखिए 20 पे आ जाता है तो हमने ड्राई चिकन जिसमें मसाला लगा के है जो है इसमें डाल दिया है। अभी आप देख सकते हो फ्रेंड्स मैंने इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं डाला, मैंने डायरेक्टली चिकन को जो है उसमें डाल दिया है। और अब हम इसको जो है लो फ्लेम करके जो हमारा थर्मामीटर का जो इंडिकेटर है वो 100 पे आने तक जो है इसको कुक करने रख देंगे स्लो फ्लेम पे।
यहाँ पे दूसरे जगह पे जब तक वो कुक हो रहा है हम बनाएंगे ग्रेवी। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा सिर्फ 1 स्पून इतना मैंने इसमें डाला है ऑयल, और इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, और इस टमाटर को हम कुक करेंगे। तो इसमें मैंने डाल दिया है सॉल्ट, तो सॉल्ट मैं हमेशा पहले ही डाल देती हूँ जितना रिक्वायर्ड होता है, ताकि जो भी ग्रेवी है वो हमारी अच्छे से बन जाए और बाद में ज़्यादा जो है आपको सॉल्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने साथ ही में इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। तो इस पे से मैंने वही मसाले डाले, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले ही डाला था, लाल मिर्च पाउडर डाला है, फिर हमने मालवनी मसाला डाला है, साथ ही साथ में हमने एवरेस्ट का गरम मसाला और किचन किंग मसाला डाला है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे टमाटोज़ को, थोड़े टमाटोज़ कुक हो जाएंगे उसके तुरंत बाद हम डालेंगे हमारा जो ओनियन और ग्रेटेड कोकोनट का जो पेस्ट हमने बनाया था वो वाला पेस्ट। और इस पेस्ट को डाल के हम जो है इस पूरे मसाले को जो है ग्रेवी के कुक होने देंगे एक लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। तो जैसे ही अच्छे से कुक हो जाते हैं उसके बाद हमने जो चिकन को मैरिनेट किया था ग्रीन मसाला और दही लगा के, वो वाला चिकन हम इसमें डालेंगे। तो हमने जो ड्राई चिकन बनाया है उसमें हमने मसाले ऊपर से चिकन में लगाए थे, लेकिन इसमें हमने मसाले ग्रेवी में डाल रहे हैं, तो इसके लिए वो चिकन को हमने मसाला नहीं लगाया, उसमें सिर्फ ग्रीन पेस्ट हमने डाला था और दही लगा के उसे मैरिनेट करके रखा है। तो लगभग 15 से 20 मिनट के ऊपर हो गया था मैरिनेशन करके। तो आप जब भी चिकन को रेस्ट करने देते तो चिकन का फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से आता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप ओवरनाइट चिकन को मैरिनेट करके रखिए, उसमें और भी बहुत अच्छे से टेस्ट आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा चिकन का जो मसाला है वो भी अच्छे से कुक हो रहा है। तो जैसे ही ये कुक हो गया मैंने देखिए इसमें जो है हमारा चिकन डाल दिया है, और हम इसमें जितना आपको रिक्वायर्ड पानी है, यानी कि आपको ग्रेवी कितनी थिक चाहिए या कितनी लिक्विडी चाहिए, उस हिसाब से पानी डाल के आप जो है फिर से इसे लिड लगा के इसको स्लो फ्लेम पे हम कुक होने देंगे। तो सेम यही हमें फॉलो करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि इसका थर्मामीटर का येलो जो लाइन है वो फिलहाल 0 पर दिख रहा है, तो ये जैसे ही 100 पे जाएगा उसके बाद हम गैस को कर देंगे ऑफ और फिर हम इसको रेस्ट करने देंगे। हम ढक्कन को तुरंत हटाएंगे नहीं, ढक्कन को हम रख के इसको एक 5 से 10 मिनट्स के लिए रेस्ट करने देंगे, और फिर उसके बाद 5 से 10 मिनट्स के बाद आप जो है इसको ओपन करके देखिएगा, आपका दोनों भी चिकन रेडी रहेगा। अगर आपको कभी ऐसे लग रहा है कि यानी कि 100 पे अपना थर्मो इंडिकेटर आ गया फिर भी कुक नहीं हुआ, तो आप और जो है इसको 100 के थोड़ा और आगे यानी कि 110 तक जाने तक आप इसको कुक कर सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा होता नहीं है, चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है। अब जो ड्राई चिकन है फ्रेंड्स, उसमें मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं डाला है, लेकिन आप फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना तेल डाले भी हमारे चिकन में कितना अच्छे से तेल और पानी दोनों भी जो है वो देखिए आ गया है। अब अगर आपको चाहिए तो आप ये पानी रखिए, या तो फिर आप इसको फिर से स्लो फ्लेम पर जो है इस पानी को अच्छे से जो है आप बिना ढक्कन लगाए इसको जो पानी को निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी भी रेडी है और हमारा ड्राई चिकन भी रेडी है, बहुत टेस्टी बना है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।